हेलो गाइस, आज हमारे साथ में शिवम है जिनका सर्जरी कितने टाइम पहले हुआ था? 5 महीने पहले। 5 महीने हो गए सर्जरी को। सर्जरी के बिफोर का फोटो भी हम आपको दिखाएंगे। ये 5 महीने बाद में आज हमारे पास में फॉलोअप के लिए आए थे। चेस्ट इनका एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेप भी नेचुरल है एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, कोई स्कार वगैरह नहीं है। शिवम, मुझे कुछ बता सकते हैं सर्जरी होने के बाद में कोई प्रॉब्लम या फिर आप अपने रिजल्ट से कैसे लग रहा है? सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब नॉर्मली थे। एक दो दिन थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मतलब एडजस्टमेंट में, ओके, टी शर्ट वगैरह पहनने में, बाकी उसके बाद तो पूरा नॉर्मल था मेरा। ओके, डेली रूटीन मतलब नॉर्मल था। ओके ओके। और अभी अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है ना, नेचुरल नेचुरल शेप है, पूरा नेचुरल है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है? हाँ, पूरा सेटिस्फाइड। इसके अलावा कुछ और बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मेरे डॉक्टर का बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। समय कोई तकलीफ नहीं, सर्जरी के टाइम पे भी कुछ तकलीफ नहीं, उसके बाद भी कुछ तकलीफ नहीं है। ओके, जब सर्जरी करते तब तो हम बेहोश कर देते, तब हाँ, पता नहीं चलता है। और कुछ तीन तीन दिन की गैप में अपने को ड्रेसिंग करना होता है। हाँ, ड्रेसिंग होने के बाद में जैसे आपका चौथी बार जब 12-13 दिन हो जाते हैं तब टाँके कटवाना होता है, है ना? ये हुआ था। उसके बाद में जैसे हम नारियल के तेल से मालिश करने के लिए बोलते हैं, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। हाँ, इसके बाद ऑफिशियल जॉब आप जो करते हैं वो तो कंटिन्यू? हाँ, वो कंटिन्यू रखी थी मैंने। ओके, दूसरे दिन से मैं चले गया था। दूसरे दिन से आप ऑफिस चले गए? हाँ। ओके, ठीक है शिवम, थैंक यू।